एवरीबॉडी, एक वैकेंसी निकली हुई है जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है। यदि आप जानना चाहते हैं या आप जॉब की तलाश में हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं, हो सकता है ये जॉब आपके लिए हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसीता। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक में वैकेंसी निकली हुई है PO, ठीक है, PO की पोस्ट के लिए। टोटल पोस्ट 2000 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है। तो जर्नल के लिए 1010 सीट रखी गई है, OBC के लिए 540 सीट रखी गई है, SC कैटेगरी के लिए 300 सीट रखी है, ST कैटेगरी के लिए 150, टोटल 2000 सीट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो एज है, एज क्या होनी चाहिए, 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ अलग से दिया गया है, ठीक है, जो SC ST OBC को मिलता है वो छूट आपको यहाँ अलग से दी जाएगी। उसके बाद में है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। आप पास हो चुके हैं तो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, यदि आप लास्ट में हैं तो भी, ठीक है। उसके बाद में है जो फीस क्या लगेगी इस फार्म को भरने की, तो जर्नल और OBC कैंडिडेट के लिए है 600 रुपये फीस, SC ST PWD उसके लिए 100 रुपये फीस है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्ज़ाम सेंटर इसका एग्ज़ाम होना है वो हरियाणा में भी एग्ज़ाम सेंटर है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, कोई भी कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में लास्ट डेट क्या है इसको भरने की, तो 13 मई 2018 तक आप ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन होगी, पूरा फार्म भी आपको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। जो साइट है जहाँ से फार्म आपको अप्लाई करना है डिस्क्रिप्शन में है वो साइट, वहाँ से आप जाके पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यदि आपका कोई डाउट है तो। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं। आगे भी मैं जॉब के बारे में आपको बताता रहूँगा, ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।